सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रू गुरु खालसा साह संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। करम कांड पखंड करना ते पंडतां दे चुंगले विच फस के उन्हां दे कहे अनुसार कार्य करना कि अजिहा जे बंदा कर लवे तां कि इह सारे कार्य साडे हो जाणगे। साह संगत जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच गुरु जी ने एक तुक अंकित कीती है, करम धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै। तीर्थां ते जाणा ते उत्थे जाके इशनान करना, दिखावे दे तौर ते धार्मिक काम करने, ये काम जिन्ने भी लोग करते हैं वह सारे उसके मरण उपरंत जम लुट लेंदे हैं। मरण उपरंत जदों जीवन जम पकड़ के ले जाते हैं तो रस्ते वे चो पानी मंगता है, तदों उसके द्वारा किए गए चंगे कर्मा ते धर्म के वटे उसनों पानी का एक गिलास जमदूत उसनों देंदे हैं। इन्हों कर्मा ही जमा का लुटना कहते हैं। अगों पातशाह कहते हैं, निर्बाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै। हजूर पातशाह फरमाते हैं, इसे वास्ते वासना रहित हो के करतार की सिफत सलाह करया करो, क्योंकि इसकी बरकत नाल छिन भर नाम सिमरिया ही मनुख विकारां तो खलासी पा लेंदे हैं। नाम सिमरन का धन ऐसा धन है जिसनों जमदूत लुट नहीं सकते, ते जिस सिमरन की बरकत नाल बंदा संसार समुद्र तो पार लंघ जाता है। सो इसलिए कर्म कांड ते विखावे दे धर्म दे काम करने सब व्यर्थ हैं। जीवन की सब तो वड्डी कुंजी इको ही है कि प्रभु भजन विच मगन रहना अते उसका नाम जपना। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज प्रयागराज इलाहाबाद वालों प्रस्थान करके बनारस पहुँचे। उन्हां दिनां विच शिवरात्रि का मेला लग्या होया सी। उत्थे लोकां विच इह धारणा फैली हुई सी कि शिवरात्रि दे पर्व उत्ते जेकर कोई दानी अपना सर्वसव दान कर माया दे बंधना वालों आजाद हो के तृष्णा उत्ते फतेह पा के शिव मंदिर विच रखे, एक विशेष प्रकार दे आरे वालों अपने शरीर दे दो टोटे करवा लवे तां उह मुक्ति नूं प्राप्त हो जाएगा। इस अंधविश्वास दे जाल विच एक राजा जागीरदार हनुमान जी नूं फुसला लिया गया सी। वास्तव विच उह एक चंगा बंदा सी, वैराग नूं प्राप्त हो चुकिया सी अते संसार परत्याग कर परम पद नूं प्राप्त करन दी इच्छा रखदा सी। जदों इन्हां ने अपने मुंडे नूं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके विशाल पैसा राशि दान दक्षिणा विच पंडितां नूं दे दित्ती, तद पंडितां ने बनाई अपनी योजना दे अनुसार उन्हां दे मन विच इह धारणा पक्की बना दित्ती कि आरे वालों कट के मरन नाल परम पद तुरंत प्राप्त हो सकता है। इस इच्छा की पूर्ति लई सब वालों सरल अते एकमात्र उपा यही सी कि शिवरात्रि उत्सव उत्ते यह प्रोग्राम निश्चित किया जाए। बनारस पहुँचण उत्ते श्री गुरु नानक देव साहब जी नूं जदों यह सूचना मिली तां उह इस जगन हत्याकांड नूं रोकण लई समां रहिंदे उत्थे पहुँच गए। वेखदे की हन कि राजा हनुमान जी आरे दे हेठां बैठे हन। पंडतां ने उदों केवल एक वारी हौली हौली आरा सिर उत्ते चलाया जिस वल्लों खून दे फुहारे चल पए, पर पंडतां ने पहलां बनाई निर्धारित योजना दे अनुसार दूजी वारी आरा नहीं चलाया अते हल्ला गुला मचा दिता कि पापी आ गया, पापी आ गया, जिस कारण यह आरा देवत्या ने थाम लिया है, हुण अगे चलदा नहीं, हुण यह उदों चलेगा जदों राजा दा पुत फेर दान देवतावां दी इच्छा अनुसार करेगा। यह सुन के राजा हनुमान जी का वारस कहण लगा, पिता जी तुसी लोकां नूं लगभग सारा कुछ तो दे ही दिता है, हुण तां बाकी कुछ भी नहीं बचिया जो कि तुहानूं दे देवां। तद पंडित कहण लगे, तुहाडे कोल हुण भी पिता पुरखां दी जागीर दा अधिकार है, वह भी सानूं दे दिओ।
पर राजकुमार कहण लगा, यह किवें संभव हो सकता है। दूजे पासे दर्द वलों करौंदे होए राजा हनुमान जी ने पुत वलों कहा, मैं मंझधार विच हाँ, जल्दी करो मैनू मुक्ति दिलवाओ। उदों पंडतां ने राजकुमार नूं प्रेरित करदे होए कहा, तुसीं झूठी माया का मोह ना करो, जल्दी करो सानू वचन दिओ तां कि देवता लोग खुश हो के आरे नूं फिर चलण का आदेश देण। इस भैपी दृश्य नूं वेख के गुरदेव जी ने गरज के उच्ची आवाज विच कहा, रुको रुको, यह जुलम ना करो, आरा सिर वलों तुरंत चुको। गुरदेव जी ने राजकुमार वलों कहा, नपुंसकां दी तरह वेखदे की हो, इसे पल अपने पिता जी नूं इस जाल साजां दे चुंगल वलों आजाद करन दा आदेश अपने कर्मचारियां सिपाहियां नूं दिओ। तद की सी, राजकुमार दा मत्था ठण गया, वह तुरंत सब हालात समझ गया अते उसे पल पंडतां नूं फड़ के बंदी मनाउण दा उसने आदेश दे दिता। राजा हनुमान जी का तुरंत उपचार किया गया, घाव ज़्यादा गहरा नहीं सी, अंत राजा का जीवन सुरक्षित कर लिया गया। इस प्रकार गुरु बाबा नानक देव साहब जी ने समय ते हस्तखेप करके एक जगह निर्दोष नूं हुंदे हुंदे बचा लिया। सारे व्यक्ति समूह नूं संबोधन करते हुए गुरदेव जी ने कहा, असी लोग अंधविश्वास विच मूर्खा जिहा कारज कर रहे हाँ। सारा नूं एक गल गठ विच बन लेनी चाहीदी है कि बिना हर भजन दे किसे नूं भी छुटकारा नहीं मिल सकता, भले ही ओह लखां दान पुन करे जां किसे भी ढंग विधान अनुसार शरीर त्यागण दी कोशिश करे। मुक्ति तां इस कर्म भूमि उत्ते अपने सारे प्रकार दे कर्तव पालन करदे होए केवल आत्मा शुद्धि वलों ही प्राप्त हुंदी है। मंतव यह है कि मन उत्ते फतेह पाउण वलों ही असली मुक्ति है, अर्थात व्यक्ति नूं मन दीआं तृष्णावां उत्ते अंकुश लगा के जीवन बतीत करना चाहीदा है। इस घटना दे बाद बनारस विच गुरदेव जी नूं बहुत आदर मिलिया अते गुरदेव जी दे दर्शनां नूं बहुत सारे विद्वान आउण लगे। आत्मकवाद उत्ते विचार विनिमय करके सारयां ने अपने मन दीआं शंकावां व्यक्त कीतियां। मुख मुद्दा यह बनिया, वेद तां पुन अते पाप दी विचारधारा दे सिद्धांत उत्ते आधारित है, जदों कि तुसीं इस प्रकार दे विचारां नूं केवल एक व्यापार दसदे हो। वास्तव विच प्रभु प्राप्ति दा साधन की है, इस दे जवाब विच गुरदेव जी कहण लगे, पाप अते पुन दा संतुलन करना सब हिसाब किताब व्यापार ही तां है। वास्तव विच उच्चा चाल चलण अते प्रभु भजन विच मगन रहना ही सफल जीवन दी कुंजी है। इस कारज लई गुर शब्द वल्लों प्रेरणा लैनी चाहीदी है अते मन दीआं चंचल गल्लां दा दमन करके साध संगत दा दामन थामना चाहीदा है। बहरे करन अकल पई होछी, शब्द सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुखारिया, बिन गुर अंध ना सूझया। हे प्राणी, तेरे कन बोले हो गए हन अते नकारी तेरी बुद्धि हो गई है, परंतु तां वी तू अपने स्वामी मालक नूं नहीं जानदा। अपने मन दे पिछे लग के तू कीमती मनुखा जन्म गवा लिया है, गुरु की शरण ना आउण करके तू आत्मक जीवन वलों अन्ना ही रहा, तेनू आत्मक जीवन की समझ ना आई। सोधत सोधत सोध विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। पर बहुत विचार विचार के इस नतीजे ते अपड़ीदा है कि हरि नाम दे सिमरन तो बिना होमे दी चोग तो खलासी नहीं हो सकती। इसे प्रकार श्री गुरु नानक देव जी लंबी यात्रा करते हुए उड़ीसा प्रांत के कटक नगर विच पहुँच गए। कटक दा तत्कालीन राजा देवी दा सेवक सी, जदों उसने गुरदेव जी दे दर्शन करके उन्हां तों निराकार प्रभु दी उपासना दे प्रवचन सुने तां उसने देवी देवतावां दी आराधना छड़ दित्ती। ये वेख के उसका गुरु चैतन्य भारती बहुत क्रोध विच आ गया। उसने अपनियां तांत्रिक शक्तियां वल्लों गुरदेव जी नूं मार देण दी धमकी दित्ती, पर गुरदेव जी शांत हिरदे नाल स्थिर होकर बैठे रहे। दो तीन दिन तक उसने अपनी मंत्र शक्ति चलाई, पर उसकी एक भी मंत्र शक्ति काम ना आई। गुरु बाबा जी के कीर्तन की मधुर आवाज की गूंज जदों उसके कन्नां विच पुजदी तां उसका क्रोध मध्यम हो जाता अते उसदियां तांत्रिक शक्तियां इस आत्मक धवनियां के सन्मुख
नाकारा हो के रह जांदियां। अखीर विच चैतन नूं अपनी भुल का अहसास हो गया। अंत पछतावे विच उसने एक छोटा जिहा पौधा गुरदेव जी की सेवा विच भेट रूप विच पेश कीता। ये पौधा इस गल का प्रतीक सी कि ओह इह दोस्ती की नींव रखते हैं, क्योंकि कुदरत की कुल शक्तियां तुहाडे अधीन हो चुकियां हन। अंत विच ओह सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी की शरण विच आ गया। उसका पौधा उत्थे ही धरती विच गड़ दिता गया जो रुख के रूप में मौजूद है। इस तरह सच्चे पातशाह धन श्री गुरु नानक देव जी ने चैतन भारती का उदार किया। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शनी जी, दास नूं आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।